जीतने का जुनून, शिखर पर रहने का दम। सैमसन की सेना नहीं किसी से कम। हार्दिक पर सवाल, लटकी तलवार। जीत दिलाओ वरना घर वापस जाओ। बहुत खेले, आधा आईपीएल निकल गया, लेकिन मुंबई के नसीब में आई सिर्फ 3 जीत। क्या इतने से कुछ होने वाला है? टीम आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? सवाल है हार्दिक से, सवाल है रोहित से, सवाल बुमराह से भी है और सवाल सूर्या से भी। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो फिर कैसे प्लेऑफ में पहुंच पाओगे? बहुत खेल लिए, अब लड़ो, जीतो और प्लेऑफ में जगह पक्की करो, नहीं तो एक मैच की हार से जीत से 2 कदम दूर हो जाओगे। ये बात मुंबई और हार्दिक के जहन में भी रही होगी। आज जब राजस्थान से टकराने के लिए टीम उतरेगी तो इरादा होगा जीत का, लेकिन क्या जीत की राहें इतनी आसान होंगी? आंकड़े भी पूछ रहे हैं। आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स 7 में से 6 मैचेस जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस 7 में से 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर। आज का मैच जीतकर मुंबई टॉप 4 में आ सकती है। हालांकि मुंबई ने जयपुर में 72% मैचेस गंवाए हैं और आज यही मैच होगा। अब इन आंकड़ों से सवाल उठता है कि क्या इस बार टॉप 4 में मुंबई इंडियंस जगह बना पाएगी? दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए आंकड़ों में भी मुंबई बहुत आगे नजर आ रही है। दोनों टीम्स के बीच आईपीएल में कुल 29 मैचेस खेले गए, 15 में मुंबई और 13 में राजस्थान की जीत हुई। जयपुर में दोनों के बीच 7 मैचेस हुए, इनमें मुंबई 2 बार जीत हासिल कर सकी, वहीं राजस्थान 5 मैचेस में जीत सकी है। मतलब हर आंकड़े कह रहे हैं कि खिलाड़ी राजस्थान के क्यों टॉप पर हैं। आखिर राजस्थान क्यों टॉप पर है? इनके खिलाड़ियों के बल्ले से भी आग निकल रही है। कप्तान संजू सैमसन, जॉस बटलर और रियान पराग 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। रियान पराग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 7 मैचेस में 318 रन बना चुके हैं। ये 318 रन बता रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स सही मायने में टॉर की हकदार है। तो वहीं कप्तान सैमसन भी 7 मैचेस में 276 रन बना चुके हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में चहल शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चतुर चहल ने 7 मैचेस में 12 विकेट झटके हैं। राजस्थान के गेंदबाजों में आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट भी कहर बरसाने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि आज कौन कहर बरपाएगा, रॉयल्स या इंडियंस। हालांकि मुंबई के धुरंधर रंग में लौटे हैं। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फॉर्म में हैं। रोहित ने 7 मैचेस में टीम के लिए 297 रन बनाए, तो वहीं गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने 7 मैचेस में 13 विकेट टीम के लिए निकाले। इसके अलावा जेराल्ड कुट्जी गेंद से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अन्य गेंदबाजों की गेंदबाजी चिंता का विषय है। यहां की पिच बल्लेबाजों को बहुत रास आ रही है। इस पिच पर रन चेज करना आसान है, यहां 180 के आसपास रन आसानी से बनाए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से दोनों टीम्स के बल्लेबाज फॉर्म में हैं, आज का मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। चौके छक्कों की बारिश होने वाली है और फुल एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिल सकता है। रिपोर्ट News 18.